आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आरएस प्री 2023 लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर हाउ टू स्कोर मोर, कैसे आरएस 2023 में बढ़त पाने के लिए प्रयास किया जा सकता है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी पर मैं चर्चा करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं आरएस का एग्जाम बहुत दिनों के बाद आयोजित होता है, 2 साल 3 साल, अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो मात्र 4 एग्जाम ही हुए हैं, 2013 का एग्जाम, 2016 का एग्जाम, 2018 और 2021। इसका मतलब बहुत कम अवसर जो है आरएस के लिए विद्यार्थियों को मिल पाता है। लेकिन 2023 का वर्ष एक तरीके से सुनहरा वर्ष रहा है कि विद्यार्थियों को आरएस का एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। 905 सीट है और 1 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है पीटी का। पीटी का एग्जाम एक तरीके का गेटवे है, इसको पास करेंगे आप तभी आप मेंस की तरफ जा पाएंगे और आरएस मेंस दे पाएंगे और मेंस को आप क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू में जाएंगे और फाइनली आप एसडीएम और डिप्टी एसपी जैसे पदों पर सेलेक्ट होकर के राजस्थान की सरकार में निचले स्तर पर लोअर ब्यूरोक्रेसी में काम करेंगे और प्रशासन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। लेकिन ये सारा जो रास्ता तय होता है वो पीटी की परीक्षा पास करने के बाद ही होता है। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ बारीकियों पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप देखिए, मैं 2 तथ्यों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे अगर आप आरएस 2021 के एग्जाम को देखें तो लगभग 6.48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। सोचिए ये संख्या ज्यादा थी, बड़ी संख्या थी। लेकिन अब की बार आपको पता है आरएस 2023 में इससे भी ज्यादा स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। 2023 में जो फॉर्म भरे हैं कितने स्टूडेंट शामिल होते हैं, अब जैसे ये लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था लेकिन लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। और अब की बार आप देखिए 6.97 लाख, मतलब लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। इतने का मतलब लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, इतने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। तो आप देखेंगे कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक देखे आप देखिए तो लगभग 50,000 विद्यार्थी ने ज्यादा फॉर्म भरा है। इसका मतलब है कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। और कितनी सीट है, सीट है जानते हैं 905 सीट है, अर्थात इतने सारे विद्यार्थी और मात्र 905 सीट। आंकड़े को देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं संख्या इतने सारे विद्यार्थियों को की दिख रही है लेकिन रियल कंपटीटर मात्र 20,000 से 25,000 विद्यार्थी होते हैं। अगर कोई इतना सारा भारी भारी भरकम आंकड़ा देखेगा वो घबरा जाएगा, वो सोचेगा अरे इतने सारे विद्यार्थी तो मैं कैसे आरएस बन पाऊंगा, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन आप जानते हैं रियल कंपटीटर, जो रियल आपको कंपटीशन देंगे, तो जो रियल स्टूडेंट है जो आपको कंपटीशन देंगे, इनकी संख्या 20,000 से 25,000 होती, यही इतने स्टूडेंट होते। यूपीएससी में थोड़ा 30-35 हज़ार स्टूडेंट हो जाते हैं। अर्थात इतने विद्यार्थियों से ही वास्तव में आपका कंपटीशन है। और अगर आप इतने विद्यार्थियों में अपनी पोजीशन को बेहतर कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आज के इस दौर में जब एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन बेहतर करने की तुलना में क्वेश्चन गलत नहीं होने देने पर ज्यादा फोकस करना होगा। आपने देखा होगा चंद्रयान 3 की सफलता भारत में इसरो के वैज्ञानिकों को क्यों मिली, चंद्रयान 2 में सफलता क्यों नहीं मिली थी, इसलिए नहीं मिली थी चंद्रयान 2 में हम सफल होने पर फोकस कर रहे थे, लेकिन चंद्रयान 3 में हम सफल होने पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ये फोकस कर रहे थे कि चंद्रयान 3 कहां कहां असफल हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने उन सभी बिंदुओं पर काम किया और अंततः वो सफल हो गए। ये कभी भी आप नहीं सोचेंगे कि आपके पास मटेरियल ज्यादा होगा, आपके पास किताबें ज्यादा होंगी, आप पढ़ेंगे ज्यादा तो आप सफल हो जाएंगे। विजेता बनने के लिए केवल मटेरियल होना, ज्ञान ज्यादा होना,
ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अगर आप महाभारत के युद्ध को देखें तो आपको सटीक ज्ञान हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास मटेरियल ज्यादा था, बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत बड़े बड़े नोट्स उनके पास थे। खुद आप देखिए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, महारथी कृष्ण, महारथी कर्ण और खुद जो है दुर्योधन भी बहुत बड़ा महारथी था। इसके बाद कौरवों की संख्या और कौरवों की सेना और साथ ही भगवान कृष्ण की चतुरंगी सेना उनके पास थी। लेकिन पांडवों के पास पांच भाई थे, सेना भी छोटी थी, लेकिन उनका गाइडेंस करने वाले भगवान कृष्ण थे, अर्थात उनका मार्गदर्शन बेहतर था, जिसके नाते वो सफल हो गए और कौरव सब कुछ होने के बाद असफल हो गए। कंपटीशन में वास्तव में यही होता है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि भैया 6,97,000 लोगों ने आरएस 2023 में फॉर्म भरा है। ये अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो आप घबरा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मैं एग्जाम छोड़ रहा हूं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि रियल कंपटीटर 20,000 से 25,000 है, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, पीटी का एग्जाम केवल ज्ञान और समझ पर ही आधारित नहीं है, मैनेजमेंट पर भी आधारित है। अगर आप पूरी बात को समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि आरएस के एग्जाम में 150 क्वेश्चन आता है, 3 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चन 3 घंटे का समय। और जो 150 क्वेश्चन आता है ये 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और अगर आप 200 में 150 से भाग देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1.33 मार्क्स का होता है, अर्थात एक क्वेश्चन सही करेंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, अर्थात -1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपका क्वेश्चन का नंबर कट भी जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी नाते बहुत सावधानी से चीजों को देख क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर मैं पिछले जो है कट ऑफ की बात करूं, जैसे आरएस 2021 में कट ऑफ कितना था, अगर आप कट ऑफ देखें तो 84.72 मार्क्स था, इतना नंबर था भैया। और इतना नंबर था, अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 64 क्वेश्चन के आसपास पड़ता है, मतलब 64-65 क्वेश्चन जिसने पिछली बार सही किया 150 क्वेश्चन में, वो आसानी से सफल हो गया। इसका मतलब कोई बड़ा गेम तो है नहीं। अगर ये टोटल आपको मैं बता दूं तो ये लगभग जो है 42% के आसपास है, मतलब 42-45% क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, 75% होता है। अगर आप इतना परसेंट कर रहे हैं तो आप पीटी क्वालिफाई हो जाए। इसका मतलब आरएस पीटी पास होना कोई बहुत टफ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी भी आरएस पीटी पास नहीं कर पाते। रीजन है कि वो बहुत अवेयर नहीं होते और कई छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, एग्जाम में गलतियां कर जाते हैं और सफल नहीं हो पाते। आज का ये सेशन उसी पर आधारित है। अब चूंकि आपके पास समय बहुत कम है, 1 अक्टूबर 2023 को आपका एग्जाम है और आज 28 सितंबर है, मतलब आपके पास मोटे तौर पर समय कितना है, आपके पास एक 29 सितंबर का समय है और एक 30 सितंबर का समय है, और इसके बाद 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम, मतलब मात्र 2 दिन रह गए। ऐसे 2 दिनों में क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, इसी विषय पर आज मैं फोकस करने वाला हूं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रख लें कि बड़ी सफलताएं या कंपटीशन में सफलताएं केवल ज्ञान और समझ से ही अर्जित नहीं हो पाती, बल्कि बड़ी सफलताओं के लिए सफल होने की जो मनः स्थिति होती है, जो आत्मविश्वास होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पीटी के एग्जाम में सफल होने में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हर क्वेश्चन में डाउट होने लगेगा, और अगर डाउट होने लगेगा तो जानते हुए प्रश्नों को भी आप गलत कर देंगे। आपको लगेगा ए ऑप्शन है, डाउट होने पे लगेगा अच्छा बी भी तो है, अच्छा लगेगा सी भी तो है, डी भी तो है। ये इतना डाउट होगा कि आप जो है डिलेमा में चले, और जैसे डाउट हुआ नेगेटिव मार्किंग होकर के दूसरा प्रश्न भी 1/3 का चला जाएगा। यही तो बात है, इसीलिए कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। लेकिन आपको मैं बताऊं, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुराने विद्यार्थी हो चाहे वो नए हो, सब लास्ट जब वीक होता है एग्जाम का, अर्थात एग्जाम के जब 5-7 दिन 10 दिन रह जाते हैं, तो हर व्यक्ति प्रेशर में आ जाता है, और कई लोग तो प्रेशर झेल नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं, बीमार होने की फीलिंग आ जाती है। कई लोगों को लगता है आपकी बार नहीं हो पाएगा, क्या मैं एग्जाम छोड़ दूं, क्या मैं एग्जाम से भाग जाऊं, इसी तरीके की भावनाएं घेर लेती हैं। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी जहाज समुद्र में इसलिए नहीं डूबता कि उसके चारों तरफ पानी है, बल्कि इसलिए डूब जाता है कि वह चारों तरफ का पानी जहाज में प्रवेश कर जाता है और उसको डुबो देता है। हमारे चारों तरफ हताशा है, निराशा है, उदासी है, नकारात्मक वातावरण है, हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे अपने अंदर आने ना दें। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे जब आप प्रेशर में आ जाते हैं तो यही हताशा, निराशा, उदासी, नकारात्मक वातावरण हमारे अंदर आके घर बना लेते हैं, और स्वयं लगने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हताश, निराश, उदास, नकारात्मक मन स्थिति के साथ जो विद्यार्थी जाएगा वो जानते हुए प्रश्नों को भी गलत कर देगा। लेकिन जो विद्यार्थी उत्साह के साथ, उमंग के साथ, सकारात्मक मन स्थिति के साथ एग्जाम में जाता है, उसको पुराने भी कंसेप्ट, पुरानी भी समझ याद आने लगती है, मेमोरी में हर चीजें जानते हैं, रिवाइव हो जाती हैं। और जो प्रश्न और उसका उत्तर बहुत लंबे समय से पढ़ा नहीं गया है, उस वह भी रिकॉल हो जाता है, वह भी प्रश्न और उसका उत्तर मालूम होने लगता है, तो आप 10-15 क्वेश्चन ज्यादा सही करके आ जाते हैं। इसीलिए लास्ट के दिनों में कहा जाता है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अपने सकारात्मक मन स्थिति और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बनाए रखना। इसीलिए पीटी की सफलता में जब आप आरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बात सुन लीजिए, पीटी की सफलता में लगभग 60% योगदान किस चीज का है, बोलिए, कॉन्फिडेंस का रोल है, यही आत्मविश्वास का रोल है। अगर आपने आत्मविश्वास खो दिया तो यकीन मानिए आपको अधिकतर प्रश्नों में डाउट होने लगेगा और एग्जाम आपके हाथ से छूट जाएगा, और पहला ही दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा। तो आप कितने भी योग्य होंगे, आपके ज्ञान और मेहनत का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वैसे भी आरएस का एग्जाम इतने बार, इतने लंबे दिनों के बाद, इतने ज्यादा दिनों के बाद आता है, तो कई बार आपका जो स्वप्न है वो स्वप्न ही रह जाता है। इसीलिए अपने उत्साह, उमंग को बनाए। एक चीज मेरी जरूर आप ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ी सफलता आत्मविश्वास, सकारात्मक मन स्थिति, उत्साह और उमंग से प्राप्त की जा सकती है, केवल पढ़ाई से नहीं। इसलिए कहा जाता है, हाथ बढ़ाओगे तो आसमान छू लोगे, ये कद की नहीं हौसले की बात है। अपना हौसला बनाए रखें। अब देखिए, जब आप आरएस 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके सामने क्या परिस्थिति है, क्या करना चाहिए, एग्जाम में क्या ध्यान देना चाहिए, इन तीन बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। पहला, परिस्थिति क्या है, कितना आपके अनुकूल और प्रतिकूल बातें हैं, क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, और एग्जाम में क्या ध्यान दें, एग्जाम में क्या ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि परिस्थिति क्या है,
अर्थात इस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी आपके लिए कितनी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, परिस्थिति की जब बात होगी तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आरएस के एग्जाम को देने का अवसर आपको मिल रहा है, यही बहुत बड़ी परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है। कई बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं, दो दो तीन तीन साल तक उनको जानते हैं, एग्जाम देने का अवसर मिलता नहीं, और ये अवसर आपको मिल रहा है। सबसे पहली बात तो है कि 2023 के वर्ष में आपको एग्जाम देने को मिल रहा है, एक बड़ी बात तो यही है, एक बड़ा अवसर यही है। 905 सीट है, यह भी एक जानते बड़ा अवसर है, कुछ सीटें बढ़ेंगी भी, तो 905 सीट है, यह भी अवसर है, एग्जाम देने को मिल रहा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मौसम अनुकूल है, वेदर अनुकूल है, यह भी बड़ा अवसर है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम मई जून में होगा तो आपको मौसम से भी लड़ना होता, और राजस्थान में खासकर मारवाड़ के एरिया में आप देखिए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ये सब इलाके, जालौर, आप देखेंगे यहां पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और पूरे राजस्थान में ही। ऐसे में मौसम सितंबर अक्टूबर में बहुत अनुकूल होता है, और जब मौसम अनुकूल होता है तो मस्तिष्क तेज काम करता है, आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता, तबीयत खराब नहीं होती, यह भी एक बड़ा अवसर है। मतलब मौसम भी आपके बहुत अनुकूल है। अच्छा, आरपीएससी पर बहुत आरोप लग चुका है कि आरपीएससी में चोरी होती है, देखा नहीं आपने रीट के एग्जाम, उधर टीचर्स के एग्जाम, कई एग्जामों में, तो ऐसे में आरपीएससी पे दबाव भी है, तो ऐसी संभावना है कि इस बार जानते हैं बेईमानी ना हो, कोई करप्शन उतना ना हो, अर्थात भ्रष्टाचार की कम संभावना है। अब आरपीएससी एकदम अच्छा हो जाएगा ऐसा तो मैं मानता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की बहुत कम संभावना है कि भ्रष्टाचार कम होगा, यह भी एक अच्छी परिस्थिति है। और साथ में चुनाव का वर्ष है, कोई सरकार जानते जोखिम नहीं लेना चाहेगी, चुनाव का वर्ष होने के कारण कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि तुरंत उसकी बदनामी हो जाए, एक भी न्यूज फ्लोट करेगी पूरी सरकार बैकफुट पे आ जाएगी, तो इसलिए परिस्थिति बहुत अनुकूल है। अर्थात जो लोग आरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये परिस्थिति बहुत अनुकूल है। यकीन मानिए, आप एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि यह एक गोल्डन चांस वाला वर्ष है, सामान्य वर्ष नहीं है। सरकार भी दबाव में है, चुनाव है, करप्शन की कम संभावना है, मौसम भी सम है, अनुकूल है, 905 सीट है, 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं, ये सब बहुत जानते हैं आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए आपको एग्जाम देना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कि क्या करें भाई, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। दूसरे बिंदु पर आना चाहिए कि जो आरएस 2023 का एग्जाम दे रहा है विद्यार्थी, वो क्या करे। अब ये आपका 2 से 3 दिन बच रहा है, 2 से 3 दिनों में वो क्या करे। तो सबसे पहला मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को लूज ना करें, क्योंकि आत्मविश्वास आपका बहुत बड़ा धन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी गरीब व्यक्ति के पास आत्मविश्वास, उत्साह, सकारात्मक मनस्थिति से बड़ा कोई धन ही नहीं है। तो अपने आत्मविश्वास को पहला पॉइंट है कि आप बनाए रखें, क्योंकि 60% सफलता आत्मविश्वास से पाई जाती, पढ़ाई से नहीं। पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब वो प्रेशर में आ जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, लगता है अरे सब याद ही नहीं आ रहा, सब चट हो गया, कुछ दिमाग में मेमोरी में हो ही, लगता है कुछ मेमोरी में है ही नहीं। तो पहली बात तो आत्मविश्वास को लूज ना होने दें, ये सोचें कि 2023 आरएस का एग्जाम आपके लिए ही आया है और आप सफल जरूर होंगे, तो निश्चित रूप से सही मन स्थिति में 10-15 क्वेश्चन आप ज्यादा ही सही कर जाएंगे। दूसरा, अब लास्ट मोमेंट पे जानते बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो लास्ट के दिनों में, 2-3 दिनों में आप जो भी पढ़ाई करते हैं उससे एक भी प्रश्न नहीं मिलता, और प्रेशर में भी रहते हैं, और कई बार लास्ट के मोमेंट पे आप अपने को सकारात्मक बनाए रखते हैं
तो पुरानी चीजें भी याद आ जाती हैं एग्जाम में, तो क्यों मन को खराब करें। हाँ, अगर कोई चीज जरूरी लगता है तो ऐसी चीज जरूर पढ़ें। जैसे क्या पढ़ सकते हैं, मैं एक चीज तो आपको कहूंगा पढ़ने के लिए, जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से 17-18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 13-14 क्वेश्चन जानते आसानी से सही कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अब जो 2 दिन बचा है आपके लिए, इस 2 दिनों में आप राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ डालें। इसके अलावा राजस्थान में कुछ जिले बदले गए हैं, उन नए जिलों को देख डालें। पाकिस्तान के साथ किन जिलों की सीमा लग रही है, गुजरात के साथ किसकी लग रही है, पंजाब के साथ किसकी लग रही है, हरियाणा के साथ किसकी लग रही है, यूपी के साथ किसकी लग रही है, दिल्ली से कौन लग रहा, ये सब देख डालें। राजस्थान में जो राजनैतिक दशाएं रही हैं, विधानसभा की संरचना से लेकर के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, राज्यपाल कौन कौन से रहे, तो कितने जानते हैं जिले हैं, कितने जो है मंडल हैं, इन सब चीजों को देख डाले। तो ये 2 दिन मुझे लगता है इन सब की पढ़ाई के लिए पर्याप्त है, और अपनी सकारात्मक मन स्थिति को बनाए रखें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि राजस्थान की कोई न्यूज आपने करंट अफेयर, क्यों, करंट अफेयर से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर अगर आप देखिए तो ये बड़ी भूमिका है। करंट अफेयर से इतने करीब अगर आप 2018 में देखें तो 17 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 में आप देखें तो लगभग 24 क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित कोई चीज है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दूसरी चीज ये करें, पहली चीज है कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, लैक आप कॉन्फिडेंस ना होने दें। दूसरा है कि आप इन 2 दिनों में राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लें। कोई नोट्स आपने बनाया है, कोई चैप्टर भूल रहे हैं, रिफ्रेश कर लें। हाँ, लेकिन कोई नई चीज ना पढ़ें, कोई नई चीज ना पढ़ें, कोई नया टॉपिक ना पढ़ें, कोई नया टॉपिक ना पढ़ें। अच्छा, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस ना लें। ऐसे लोगों की कंपनी से बचें जो हतोत्साहित करते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने। देखिए, कोई स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस लेने पे बहुत सारी चीजें आपकी विपरीत चली जाती हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनी से बचे जिसमें बहुत सारे लोग आपको हतोत्साहित करते हैं। कई लोग कहते हैं ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा, चलो घूमते हैं गोपालपुरा बाईपास पे, चलिए टोंक रोड पे घूमते हैं, लाल कोठी घूमते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय घूम के आते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो हतोत्साहित करते हैं और जिनका कोई जो है फोकस गोल नहीं है। साथ में एक चीज और ध्यान रखें कि आप रात भर जगे नहीं, अब समय पे सो जाएं, समय पे उठ जाएं, क्योंकि एग्जाम के दिनों में जब एग्जाम होता है उससे पहले अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को एक स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक पैटर्न में रखना होता है। और अगर आप अपने आप को एक पैटर्न में रखेंगे, एक व्यवस्था में रखेंगे, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, वो आप एग्जाम में बढ़त दिखेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इस नाते इन सब चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, परिस्थिति क्या है, क्या करें। अच्छा, तीसरा, एग्जाम में क्या ध्यान दें, मतलब एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में क्या ध्यान दें, क्या ध्यान दें। देखिए, एग्जाम के लिए मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइमली पहुंचे। बहुत सारे विद्यार्थी हड़बड़िया होते हैं, उसी समय पहुंचते हैं जिस समय पता चला कि वहां पेपर बट रहा होता है, या एकदम लास्ट मोमेंट हो गया होता है। प्लीज ऐसा ना करें, एग्जामिनेशन सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जब आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर हड़बड़ी नहीं होती, स्थिरता होती है, मन स्थिति बनी रहती है। तो बहुत अच्छे मन स्थिति और स्थिर मन स्थिति के साथ जब आप काम करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्वेश्चन गलत नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं, जब एग्जामिनेशन सेंटर पर चले जाएं, अपना जो रोल नंबर है उसको 3-4 बार लिख के देख लें, याद हो जाना चाहिए। कई लोग अपना रोल नंबर गलत भर के चले आते हैं, तो ऐसा सब छोटी छोटी गलतियां ना करें। अपना पेन वगैरह लेकर के जाएं, पानी की बॉटल लेकर के जाएं, बहुत हल्का जानते हैं
नाश्ता या भोजन लेकर के जाएं, क्योंकि ज़्यादा जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं सुस्ती आ जाती है, बॉडी उतना एक्टिव नहीं होती, और जब बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो परफॉर्मेंस आपका प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइमली पहुंचना होगा, भोजन बहुत लाइट लेना होगा या केवल नाश्ता वगैरह ले सकते हैं, या जो लोग चाय पीते हैं जूस पीते हैं रिफ्रेश होकर के जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जब आप एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चन पेपर एक बार में ना करें, क्वेश्चन पेपर कम से कम तीन, जैसे 150 क्वेश्चन है ऐसे समझें, जैसे 150 क्वेश्चन है तो पहले जानते हैं करीब 40 से 50 मिनट में पूरे क्वेश्चन पेपर का एक राउंड लगा लें, पूरे क्वेश्चन पेपर का 40-50 मिनट में एक बार पूरा पढ़ लें। आप देखेंगे लगभग आप इसमें से 40-45 क्वेश्चन जो बहुत बेसिक होते हैं तुरंत उसके आंसर आपको पता हो जाएंगे, उसको टिक कर लीजिए और इसके बाद ओमार सीट में उसका बबल फिल कर लीजिए। फिर दूसरा राउंड, बबल फिल करने में आपको करीब 5-7 मिनट लगेगा और 40-50 मिनट मान लीजिए, एक घंटे में आपने एक राउंड लगा लिया। दूसरे घंटे में आप दूसरे राउंड लगाएंगे, जहां थोड़ा सा दिमाग लगाने पर उत्तर निकल आता है, तो आप दूसरा राउंड लगाएंगे, उसमें भी 20-25 प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे और उसको भी निकालिए, बबल फिल कर दीजिए उसका। फिर तीसरा राउंड आइए जहां पर ज्यादा दिमाग लगाना है, कोई चीज इंटरलिंक होकर के आई हुई है, फिर उसको करें और उसका उसको भी जानते हैं लगभग, इसमें भी 15-20 क्वेश्चन आप आसानी से निकाल ले जाएंगे और उसको फिल कर लीजिए। तो आप देखिए आप टारगेट को अचीव कर गए। अगर मैं 15 और 20, ये 35 हो गया और 40, तो 75 क्वेश्चन आपका हो चुका है। लेकिन केवल 75 क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन लगभग 90-95 या 100 तक क्वेश्चन आपको करना है, मतलब 92 लेकर के 100 क्वेश्चन के आसपास। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना है, अगर आपको आ रहा है तो करिए, नहीं तो आप 80-90 क्वेश्चन के आसपास करिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करेंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे तब भी गड़बड़ है। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आन एन एवरेज कितने क्वेश्चन करना चाहिए, तो 90-100 क्वेश्चन आप करें, उसमें से आप 70 क्वेश्चन के आसपास सही कर ले जाएंगे। लेकिन जब इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बढ़त मिलेगी। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं इस बार एग्जाम ही ना दें, UPSC का एग्जाम दें, आगे RS का एग्जाम, ऐसा ना सोचें। एक बार सही मन स्थिति बना करके जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर में जब अच्छे भाव से आप जाएंगे तो क्वेश्चन सही होगा। और कई बार जब एग्जामिनेशन सेंटर से आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो सोचता था एग्जाम ना दूं, ये तो सारे क्वेश्चन सही हो गए। और क्वेश्चन सही हो जाता, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं और मान लीजिए आप आर्ट बैकग्राउंड के विद्यार्थी, तो दोनों के लिए आसान है। कैसे आसान है जरा देखिए, यहां पर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं तो आप देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, ये मुश्किल हो, ज्योग्राफी भी हो सकता मुश्किल हो, इकोनॉमी हो सकता थोड़ा बहुत आता हो, पॉलिटी हो सकता थोड़ा बहुत आता हो, हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आता हो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब आपका अच्छा होगा, मैथ और रीजनिंग तब आपका अच्छा होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका अच्छा है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आता है, जैसे यहां 19 आया यहां 20 आया, मैं मान लेता हूं इसमें आप 16-17 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि आप मैथ बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड के हैं और मैथ में आप निश्चित रूप से इसमें भी 16-17 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे 20 क्वेश्चन में। अच्छा, करंट अफेयर जानते हैं सबके लिए समान होता है, चाहे आर्ट का विद्यार्थी हो चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, तो करंट अफेयर में मान लेते हैं कि आप 10-12 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके अलावा इन इन सब में मान लीजिए हिस्ट्री का केवल आप 5 प्रश्न कर ले जाएंगे, ज्योग्राफी का आप 4 कर ले जाएंगे, इकोनॉमी का आप 4 कर ले जाएंगे, पॉलिटी का आप 5 कर ले जाएंगे, तो ये 5, 5, 10 और 4, 2, 8 18 क्वेश्चन मान लीजिए यहां से हो जा रहा है, तो 18 क्वेश्चन आप जोड़िए, ये देखिए 16, 2, 32 और 10, 42 और 18, 60 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए। और अभी बाकी है, अभी राजस्थान जीके बाकी, राजस्थान जीके से 50-60 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इसमें से खाली राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आप कर दीजिए, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से 17-18 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें से आप मात्र 13-14 क्वेश्चन सही कर ले जाइए, जो खाली अगर आप चाहेंगे तो 2 दिनों की स्टडी के बाद कर ले जाएंगे, तो बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। क्योंकि पीछे आप देखिए आपके कितने सही हो गए थे,
आपके 60 क्वेश्चन सही हो गए थे, 18, 16, 10 और यहां से मैं मान लेता हूं कि 13, तो ये आपके 73 क्वेश्चन हो गए। और पिछली बार कितने क्वेश्चन पे मेरिट गई थी? 64 क्वेश्चन। मतलब घबराना नहीं है, स्ट्रेटजी बनाई। अच्छा मान लीजिए आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपका हिस्ट्री अच्छा होगा, आप 9 क्वेश्चन में से 7 कर ले जाएंगे, 6 कर ले जाएंगे। ज्योग्राफी में आप 9 में से 7 कर ले जाएंगे या 6 कर ले जाएंगे। इकोनॉमी में आप मान लीजिए 4 कर ले जाएंगे। पॉलिटी में आप 10 कर ले जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप 10 कर ले जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में आप 10 कर ले जाएंगे या 5 कर ले जाएंगे। इसमें कर ले जाएंगे तो आप राजस्थान जीके में फिर ज़्यादा कर ले जाएंगे, फिर आप राजस्थान जीके में अच्छा कर ले जाएंगे। 50-60 में से मान लीजिए आपने 25-30 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया, तब भी आप सफल हो जाएंगे। अर्थात चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, चाहे आर्ट बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीटी के एग्जाम में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर आपने एक मन स्थिति बना ली कि मैं पास होऊंगा और ये करके पास हो जाऊंगा, ऐसा ऐसा मैं करूंगा, तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। यकीन मानिए ये आरएस का एग्जाम आपकी एक सही और सकारात्मक रणनीति से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। मैं पिछले लगभग 18-19 वर्षों से राजस्थान के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता रहा हूं और पिछले कई आरएस के टॉपर आप देखेंगे पहली रैंक लाने वाले मेरे विद्यार्थी रहे हुए हैं। पिछली आरएस की टॉपर भी हमारी स्टूडेंट रही हुई हैं। ऐसे और भी जानते कई सारे विद्यार्थी जो अच्छी रैंक के साथ आए हैं। मैंने देखा है कि उनके पास क्या था, एक सही मन स्थिति थी, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी और मन के अंदर उत्साह था कि आरएस जरूर बनना है। वैसे भी राजस्थान में एक स्वप्न होता है विद्यार्थियों का कि आरएस बनना है, और आरएस जिसके नाम के आगे लिख दिया जाता है वो सामान्य नहीं रह जाता। मुझे पूरा विश्वास है आरएस 2023 के एग्जाम में आप अपनी जो है सही भूमिका के माध्यम से सही सफलता को सुनिश्चित करेंगे और 905 सीटों में से एक सीट अपनी पक्की जरूर कर लेंगे। और ये होगा कैसे? आपके सही मन स्थिति से। तो जो विद्यार्थी आरएस 2023 का एग्जाम दे रहे हैं 1 अक्टूबर को, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस सेशन के माध्यम से जिन बातों को मैंने डिस्कस किया, एक बार आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, निश्चित रूप से आपको अपने मन स्थिति और अपनी सोच और समझ बनाने में मदद मिलेगी और एक सकारात्मक स्ट्रेटजी के साथ आप एग्जाम में जाएंगे और सफल होंगे। और जब पीटी सफल होंगे तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी चीजें मेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस के तैयारी में थोड़ा समझ और ज्ञान की जरूरत है और उसमें हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और साथ मिलकर के हर कोई ज्यादा अचीव कर सकता है, डॉक्टर कलाम लगातार कहा करते थे। तो आप लोग पूरी अच्छी मन स्थिति के साथ एग्जाम में जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।